हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज बात करेंगे कि विंटर सीजन में आप अपने बच्चों का किस तरह से अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसको मतलब एक मेन जो तीन चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर आप ध्यान दे दिए तो आपने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। पहली चीज़ होती है उनकी क्लोदिंग, मतलब आप बच्चों को किस तरह के कपड़े पहना रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो आपको बात करूँ कि बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि बच्चों को ठंड के टाइम पे नहीं नहलाना चाहिए या बहुत कम नहलाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों को आप डेली बाथ दीजिए, देखिए बहुत हॉट वाटर से नहीं दीजिए, ना ही बहुत कोल्ड, एक ल्यूकवॉर्म वाटर जो कि आप थोड़ा सा अपने हैंड पे टेस्ट कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसके अनुसार से आप बच्चों को प्रॉपरली आप बाथ कराइए। देखिए बाथिंग का जो सबसे जो आइडियल जो टाइम होता है वो होता है 11 से 1 में, क्योंकि देखिए विंटर का सीज़न चल रहा है तो बेहतर है कि आप इस टाइम को चुनें जिससे ज़्यादा बहुत ठंडक ना हो। अगर आप बहुत जल्दी अगर नहलाते हैं तो ठंडक ज़्यादा होती है, शाम के वक्त भी काफ़ी ठंड होती है, तो बेहतर है कि आप 11 से 1 का आइडियल टाइम चुनें। ल्यूक वार्म वाटर से बच्चों को नहलाएं ताकि बच्चों को अच्छे से क्लीन करें, उनका हेयर वगैरह भी वॉश करें। बहुत ज़्यादा देर तक बच्चों का एक्सपोज़र पानी की तरफ नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ एक जो लिमिटेड जो टाइम है उसमें बच्चों को नहलाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आप बच्चे को नहला के आते हैं उन्हें प्रॉपरली उनका जो लोशन वगैरह आप लगाइए, अच्छे से स्किन लोशन लगाइए, उनको पाउडर से अच्छे से डैब डैब करके उनका पूरा एक तो बहुत आपको रगड़ के उनका पानी जो होता है ऐसे निकालना नहीं है, उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो बेहतर है कि आप डैप डैप करके उसके पानी को सोख लें। थोड़ा मॉइस्चर जो स्किन में रहता है उसके बाद अगर आप लोशन यूज़ करिएगा वो बहुत ज़्यादा देर तक इफ़ेक्टिव रहता है। तो बेहतर है कि पूरी अच्छी तरह से सुखा के एकदम ऐसे नहीं आप लगा सकते, थोड़ा सा हल्की नमी भी रहेगी तो चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपने बच्चे को वेस्ट पहनाना बिल्कुल मत भूलिए। चाहे वो गर्मी का दिन हो या जाड़े का दिन हो, कोई भी सीज़न हो, आप बच्चे को प्रॉपरली एक वेस्ट जिसे बनियान कहते हैं आप वेस्ट पहनाइए जो कि प्योर कॉटन का होना चाहिए। उसके बाद एक थर्मल जिसको इनर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, इनर पहनाइए, जो थर्मल होती है जो बॉडी को वार्म करने के लिए बच्चों को हेल्प करती है। इनर के बाद उसे आप टी शर्ट या फ्रॉक पहना सकते हैं, जो उसका एज़ यूजुअल जो ड्रेस है, जो नॉर्मल जो घर का ड्रेस है उसको आप पहनाइए। बेहतर हो तो फुल बाजू का पहनाइए। फुल बाजू का ड्रेस पहनाने के बाद अगर आपका जैसे बहुत ज़्यादा अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर आप जैकेट पहना सकते हैं, स्वेटर पहना सकते हैं। अगर कम ठंड हो मतलब हल्की हल्की ठंड है तो आप उसे हाफ स्वेटर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका हाथ फुल आप पहनाइए ज़रूर। आप हो सके तो आप जो इनर यूज़ कर रहे हैं, जो थर्मल यूज़ कर रहे हैं वो फुल स्लीव्स का होना चाहिए। टी शर्ट वगैरह भी फुल स्लीव्स का पहनाइए। देखिए बच्चों के साथ इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, बेहतर है फुल स्लीव्स पहनाइए। अगर हल्की ठंड है तो हाफ स्वेटर, अगर ज़्यादा ठंड है तो फुल स्वेटर पहनाइए। ये तो हुई क्लोदिंग की बात, और ये ऊपर की क्लोदिंग की बात है। अब नीचे जैसे आप जब डायपर यूज़ करते हैं तो डायपर यूज़ करने के पहले आप बच्चों को अच्छी तरह से पाउडर वगैरह लगा के डायपर पहना दीजिए, फिर एक पतली सी इनर डाल दीजिए, और उनका कोई घर का पैंट हो तो ठीक है, नहीं तो एक इनर भी काफ़ी अगर इस मौसम में अगर बात करें तो। अगर बहुत ज़्यादा ठंड अगर बढ़ जाती है तो आप उसे दो पैजामे भी पहना सकते हैं। सॉक्स पहनाना बिल्कुल मत भूलिए, और टोपी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर बच्चा अगर सनी अगर डे है तो आप छोटी टोपी पहना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे वो टोपी थोड़ा सा अगर आप उसको कान तक जो ढकने वाली जो टोपी होती है उसको अगर पहनाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प। तो देखा आपने कि किस तरह से आप बच्चों को प्रॉपरली आप क्लोदिंग पहना सकते हैं। देखिए अगर अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक यूज़ करिए, ऊन ऐसा यूज़ करिए जो वूलन है, बच्चों की स्वेटर है अगर हाथ से आप बुनते हैं या रेडीमेड खरीदते हैं तो मेक श्योर करिए कि जो ऊन की क्वालिटी है वो बच्चों के लिए काफ़ी सूदिंग हो, बच्चा काफ़ी आराम से उसको पहने। ये ना कि उसको ओवर ड्रेस भी आप बिल्कुल भी मत करें, ओवर ड्रेस करने से उनको सफोकेशन या फिर इरिटेशन ज़्यादा होगी, वो विंटर इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि थोड़ा फ्री फील करें लेकिन ठंड से बचे रहें, इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और रही बात आपको जैसे थर्मल जो आप पहना रहे हैं वो भी आप अच्छे क्वालिटी का यूज़ करिए, जो ब्रीदेबल हो, जो कि अच्छी तरह से उसका जैसे स्वेट भी अगर बच्चे को आ रही है
तो जैसे मैंने आपको लेयरिंग की बात की, तो आप एक दो लेयर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि काफ़ी अगर ठंड बढ़ गई है तो आप एक हाफ स्वेटर या फुल स्वेटर और डाल दीजिए। तो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस तरह से करें। बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस भी बच्चों को ना कर दें ताकि वो इरिटेट हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आज विंटर के क्लोथिंग के बारे में है, और मैं अगले वीडियो में आपको फूड रिलेटेड बात बताने वाली हूँ, जिससे आप विंटर में अपने बच्चों को क्या खाना खिलाइएगा जिससे कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाए। तो उस वीडियो को भी मेरे साथ ज़रूर देखिएगा, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ ट्विंस माई वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।